अरे हसीना जी, वेलकम वेलकम। आज यहाँ वो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले। अच्छा किया। कैसा फील कर रही है अभी आप? हाँ बहुत बढ़िया है, मगर आज सुबह से ना अचानक खट्टी डकारे शुरू हो गई। हमें लगता है कल जो हमने गोलगप्पे खाए ना, उसका जो पानी था ना वो थोड़ा सा ज्यादा खट्टा था, तो हमें वो खटास की वजह से शायद। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मैंने इनसे पूछा है। मच बेटर डॉक्टर। गुड। और सर्दन? थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है, बट नथिंग मेजर। गुड, काफी इम्प्रूवमेंट है। तो ठीक है फिर हम चले। देखिए आपके साथ जो हुआ है ना, उसे समझना उतना ही जरूरी है जितना ये समझना कि आपके साथ हुआ क्या है। सब जरूरी है, मगर आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये देख रही हैं आप, ये आपका ब्रेन है। देखिए डॉक्टर साहब, हम बहुत आयशा गावर तुझा बड़ा पावर, कितनी बात एक ही बार समझाएगा रे। और ये क्या पिक्चर पिक्चर दिखा के हमको कंफ्यूज कर रहा है? एक बार बोल दिया ना समझ में आ गया, बार बार कैसे बोलता है रे। डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने? देखिए आपके लेक्चर की वजह से हमारी अच्छी खासी हसीना मैडम फिर से उर्मिला बन गई। सॉरी, मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आना चाहिए ना हमें। और हाँ, वैसे भी समझदार को इशारा कॉफी है, एक बार बोलो तो समझ में आ गया, जल्दी बोलने का नहीं। चल मातारी। आते रहिएगा प्लीज। हाँ हाँ हम लाते रहेंगे जी। माँ मैं जीतूंगा, मैं पक्का जीतूंगा। माँ क्यों इतना परेशान कर रहे हो, बार बार मत करो ना फोन। परेशान कर रहा है कौन है रे? कौन है संतु जी? किसका ख्याल में इतना खुजली हो रहा है आपको? परेशान कर, हमको फोन दीजिए। एक सेकंड। हेलो। नहीं 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 नहीं। अरे कारे बाबू, किसका फोन? किस पापा है मेरे? पापा, गुड, वेरी गुड। ये गया चीती। सामने आओ, हमारे संतु जी को फोन कर रहा है। अरे इतना मार मारेंगे ना बेटा कि मार के तुम्हारा घुटना मुंह पर चढ़ा देंगे। संतु जी को फोन करके परेशान करता है। नाना नहीं, हट, नहीं। हट, हमारे अंदर का किली मांग जारो का ज्वाला जो है ना एकदम उखड़ गया है। अभी लावा तुमको गला के दम लेगा रे बेशरम इंसान। सामने आओ। चीती क्या कर रहा है, मुझे फोन दे। नहीं एक मिनट संतु जी। आऊंगा आऊंगा, सामने आऊंगा। क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लेगा? औकात दिखाएंगे तुम्हारा बेटा। बताओ ना बिल्लू जी, पापा है मेरी। नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेगा, ज्वालामुखी है वो। बेटा डर रहे का हमसे तुम? है कि फोन पर बतिया रहा है, सामने नहीं आ रहा। सामने आओ ना, तुम्हारे मुंह में लात देकर तुम्हारे छाती पर खड़े होकर तुमको फाड़ना दिए ना बीच से, तो फिर बोलना। आओ सामने, आओ सामने। सामने आऊंगा। हाँ बताऊंगा। और बोल क्या बोला था? क्या बताऊंगा? बताऊंगा, सामने आऊंगा और बताऊंगा तुझे। चाचा चाचा पढ़ा चाचा। हाँ हाँ बोल, क्या क्या बोल रहा था? चाचा जी हो गया? कुछ नहीं हुआ, कोई बदतमीज है, गवा चिल्ला रहा है हमारे ऊपर। कौन कौन चिल्ला रहा है? आओ सॉल्व करो, सॉल्व करो। कितना लोग को सॉल्व कर रहे हैं हम चाचा जी? कब से हमें गालियां दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, देखो पापा फोन काट दीजिए, फोन काट दीजिए। ऐसे कैसे रख दीजिए फोन? इतना परेशान किया, इतना गरियाया अंकल को, आज दो दो लोग का मौत लिखा है हमारे हाथों। अंकल अंकल फोन इनको दे दो, वो सॉल्व कर देंगे। एक्सपर्ट है वो, पुलिस वाला है, एरिया गुंडा लोग जानते अच्छे से। जी जी लो। नहीं हम स्पीकर ऑन। जी जी हम दीजिए दो। हम करते कारे कौन है? फोन पे कहां भौंक रहा है? सामने आके भौंक रहा भौंक ना। क्योंकि दोनों तरफ तुम ही हो। अब तुम कहीं के नहीं रहे हो, केसौर। तो वो बदतमीज इंसान तुम हो, गवार, जाहिल, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोग। ऐसे दोस्त है तुम्हारे, है ना? बहुत बड़ी गलती होगी, हमको माफ कर। माफ नहीं करेंगे बेटा हम तुम्हें। क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं, तुम मजाक कर के वो। नहीं नहीं, वो मुंह में ऐसे लात डाल के मुंह फाड़ दो। अच्छा मुंह में लात डाल के करो ना, करो करो। मजाक में बोल रहे, बात करने की तमीज नहीं है। चीता ये कैसे, ये क्या कर दिया तूने? अरे कौन शरीफ बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ देगा? ठीक ठीक ठीक। पापा ये तो है ही ऐसा, आप अंदर चलिए। अंदर चलिए आप। ऐसा ही करते हैं बदतमीज। हाँ है पापा। जाहिल। हाँ पापा है, चलिए। संतु जी, संतु जी, संतु जी आराम से लेके जाना अपने पिताजी को। मित्र, तुमको पहले से पता था कि दूसरी तरफ संतु जी के पिताजी ही हैं?
अनफॉर्चुनेटली यस आई नो शाबाश मारा तुमको मैडम सर रुकी तो अरे आप कहाँ रह गई थी आपके रिपोर्ट लेने गए अच्छा अच्छा वैसे एक बात कहें हम आपके लिए वड़ा पाव लेकर आए वड़ा पाव क्यों हाँ 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 वड़ा पाव क्यों आपने तो दो मिनट के लिए हमें डरा ही दिया था हमें लगा वापस उर्मिला आ गई पुष्पा जी अब उर्मिला भी तो हमारी एक हिस्सा है ना हसीना से हमने डिसिप्लिन सीखा कायदा कानून सीखा सलीका सीखा लेकिन उर्मिला से हमने जीने का तरीका सीखा ये सीखा कि ना लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं मस्ती करना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है मैडम सर लल्ला के पापा वो भी हमें हमेशा कहते थे कि पू मस्ती करना बहुत जरूरी है अरे ये तो उस लक्ष्मण सुपर को हसीना मलिक है चल चल मिलके मिल के आते हैं पुष्पा जी ओवर एक्टिंग हम आपके बहुत बड़े फैन हैं हीरो हैं आप हमारी दिल्ली लाही हम पुष्पा हैं पुष्पा इन्हें हुआ क्या है वो सब बाद में मैम जल्दी जल्दी चलिए इनको अंदर लेकर चलिए चलिए मैडम सर हमारी वजह से इन्हें ये क्या हो चलिए चलिए देखते क्या हुआ मेरी उम्र नहीं है शादी की मुझे नहीं करनी शादी बस क्या करेगी फिर बस टांग कर स्कूल जाएगी हस 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 ले हस ले हस बेटा देख यही उम्र होती है शादी की सही समझी थोड़ा वक्त और गुजर गया ना तो फंगस वाले लड़कों से काम चलाना पड़ेगा छी आप कुछ भी बोलते हो पापा मुझे शादी नहीं करनी बस शादी तो करनी ही नहीं है तो मैं क्यों आया हूँ लखनऊ यहाँ पे लखनऊ आया हूँ टुंडे कबाब खाने फिर आजी दो देख बेटा इस बार है ना मेरी बात मत डाल प्लीज निठल्ले तेरी सेटिंग के साथ ये संतोष जी के पिताजी दूसरी की सेटिंग लगा रहे बिना शादी के रिटायर हो जाएगा तू ना 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 ऐसे मत बोल रे मनहूस मानव जब मुंह खोलेगा गोबर का उल्टी करेगा तू कितना फालतू बोल रहा ऐसा हुआ ना बिलौटे तू सल्फास का गोली चाट कर मर जाएंगे हम देवदास बन जाएंगे हम बापू जी देखा शराब छोड़ दो क्यों ये बोतल बापूजी को चाहिए थी करे रे बिलौटे रे हमारे फ्लैश फॉरवर्ड में भी आ गया हमारा फ्लो बिगाड़ने के लिए कौन दुश्मनी है अरे निटल्ले फ्लो को छोड़ मैं तेरा चेहरे का ग्लो बिगाड़ने आया हूँ उधर देख संतु जी अपने पति के साथ जा रही है उधर उधर संतु जी संतु जी संतु जी संतु जी संतु जी कोई ड्रॉइंग रूम नहीं है समझ रहे और आप अंकल जी क्या समस्या हो गया समझाइए हमको करिश्मा जी हमें समझाने की जरूरत नहीं है और सुन तेरी शादी के लिए तेरी परमिशन की मुझे जरूरत नहीं है पापा आपको राशिद इकबाल राशिद की कसम है हम इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे बहुत गलत किया तूने संतु क्योंकि तू जानती थी कि मैं उनकी कसम नहीं तोड़ सकता है ना इसीलिए दी है ए बिलौटे इस संतु जी के पूर्वज मुगल लोग थे का जाने किसका कसम दे दी राशिद इकबाल राशिद का ए निठल्ले तुम साहित्य पढ़े हो देखे साहित्य देखना नहीं होता है पढ़ना होता है राशिद इकबाल राशिद बहुत बड़े शायर मुझे लगता है संतु जी के पिताजी है ना वो राशिद इकबाल राशिद के बहुत बड़े फैन है संतोष जी के पिता को इम्प्रेस करने का मस्त आइडिया है मेरे दिमाग में का 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 देखो राशिद इकबाल राशिद की जितनी भी शायरी है तुम बाय ऐड कर लो पक्का इसे काम बन जाएगा बिलौटे तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है हाँ ना 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 फिर तोते की रट लो सर्च कर पुष्पा जी रिलैक्स आपकी गलती नहीं है एक्सीडेंट था नहीं मैडम सर हम गिरे उस पे ऐसे अगर हमारे वजह से उसे कुछ हो गया तो मिरेकल 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 क्या 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 हुआ आप जिस मरीज से टकराई थी ना उन्हें 30 साल बाद होश आया है 30 साल बाद मतलब मैडम
30 साल पहले इनका कोई पेंडिंग केस था जो कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। उसी सदमे में ये 30 साल कोमा में थे जो अभी उठे हैं। कौन सा पेंडिंग केस? शेर की चोरी। क्या? शेर की चोरी? अर्ज किया है, मेरे महबूब का दिल यूं ही मुंतसिर नहीं, खुशनसीबी है मेरी जो मैं उसका मुख्तार हूँ। ये शेर मैडम सर, पर ये हमारी तरफ देखकर शेर क्यों कह रहे हैं? पुष्पा जी, दुनिया में हर कोई आपको नहीं छेड़ रहा। ये और ऐसी कई हसीन शायरी चुरा ली उसने, मेरी मोहब्बत और मेरी इबादत दोनों छीन ली। किसने किसने चोरी किया ये? राशिद इकबाल। करेगा छोड़ हमको, पहले ही बॉल पे आउट नहीं होना है, टेस्ट खेलना है। क्या करे, गरिया दे रहे हैं हमको। हिट करो उनको, बाउंड्री के पार पहुंचा दो, जाओ। आशीर्वाद है, निकलो, है ना सब लिखा हुआ। जाओ ना फेर नजरें, ना फेर निगाहें, काफिर से मेरे मौला। वाह वाह वाह, मेरे शेर, क्या शेर बोला है, वाह। ना फिर निगाहें काफिर से मेरे मौला, मिट गया। यहां सेल्फी आ गया। ना फिर निगाहें काफिर से मेरे मौला, माफी में भी महानता की एक अदा है। वाह वाह वाह, दिल को छू लिया शेर, वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। वो महानता फिल्म में माधुरी दीक्षित की अदाकारी क्या लाजवाब थी। जाहिल हो तुम। शुक्रान शुक्रान। वो फिल्मों की बात नहीं कर रहा था, वो शेर पढ़ रहा था, शेर, समझे तुम। जाहिल हो तुम। जी तुम राशिद इकबाल राशिद के फैन हो? फैन हो, दीवाने हैं हम उनके। मेरी बदौलत, मेरी वो ये राशिद इकबाल से शायर राशिद हो गया। सब कुछ छीन लिया उसने, मेरा मेरा कागज, मेरी कलम, मेरी डायरी, वो शायरी जो मैंने शहनाज शहनाज। अरे अरे, संभल के संभल के, आप क्या कर रहे हैं, संभालिए ने। अरे बैठ तो गए। देखिए आप अपने आप को संभालिए, इतने सालों से आप कोमा में थे तो आपके शरीर में कमजोरी हो गई है ना। हाँ, तो अपने आप को संभालिए और आराम से शांति से बताइए आगे क्या हुआ। शहनाज का घर राशिद के घर से लग के था, बहुत प्यार करता था मैं शहनाज से, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। लड़कों की ना यही दिक्कत होती है, प्यार तो करते हैं मगर बताते नहीं। आप आगे बोलिए। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर शहनाज से अपने दिल की बात करने की सोची। दिले बया पूरे शिद्दत से पन्ने पे उतारा, कुछ शेर एक नगमा और मेरा दिल है, निकाल कर कागज के पन्नों में रख कर चूम के वो राशिद से इल्तिजा की कि जाके मेरे शहनाज को मेरे प्यार का पैगाम दे दें। वो कमबख्त पैगाम तो दिया पर मेरा नाम छुपा दिया और खुद का नाम डाल दिया। मेरी भोली शन्नो उस धोखेबाज की बातों से मुतासिर हो गई और दोनों ने क्या शादी कर ली। क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी दुखी क्यों हो गई हैं? मैडम सर, अब्दुल जी की बातें सुनकर हमें लल्ला के पापा की याद आई। वो ना हमें हमेशा प्यार भरे खत लिखते थे, मगर किसी दूसरे की शायरी चुरा कर कभी उन्होंने हमें खत में नहीं लिखा। पर किसी ने तो इनकी शायरी चुराई। अब्दुल जी, अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो ये हमारा आपसे वादा है, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। मुजरा फरमाइएगा। वो मुजरा नहीं होता है, वो मुलाहिजा फरमाइएगा होता है। दोनों अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, मैंने बोला था ना, ये जो बोला है वो फरमाओ। हाँ हाँ, इरशाद इरशाद।
मेरे महबूब का दिल हर किसी को मयसर नहीं है। वाह, दर्द है इसमें। मेरे महबूब का दिल हर किसी को मयसर नहीं है। मेरे महबूब का दिल हर किसी को यूं मयसर नहीं। वाह, तो मेरे महबूब क्या हुआ, फिर से मिट गया? मिट गया। हाँ, एक बार फिर रिपीट करो ना, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से। मेरे महबूब का दिल हर किसी को यूं मयसर नहीं है। खुश नसीबी है मेरी जो मैं उसका मुख्तार हूं। क्या ऐसा दीदे फाड़ के का देख रहे हो बे? वाह 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 वाह, गालियों के बाजार से काफियों का बौछार, ये देख, ये आवाम भौचक्का हो गई। वो जो गोलियां और जो गालियां है ना, वो बिल्ले तुम्हारे जैसे जो टोपा लोगों के लिए, समझे? अरे इतने बड़े शायर हैं, सब कायल हैं उनके, सब दीवाने हैं, हम भी दीवाने हैं क्या? बिल्कुल सही कह रही हैं आप करिश्मा जी, पूरी दुनिया में उनके फैन है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसे शेर पढ़ता है। वैसे एक बात बताऊं आपको करिश्मा जी, भाई लखनऊ आने का हमारा मकसद सिर्फ पुलपुल के लिए लड़का देखना नहीं था, उसके अलावा हमारा एक और मकसद था, यही कि इकबाल साहब से मुलाकात करनी थी, बस। चिचाई तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, अपनी तमन्ना के बारे में खाली एक बार आप हमको बताए होते ना, तो ऐसे ऐसे राशिद साहब से आपको मिलवा देते, और का? हाँ, कर सकते हैं आप? अरे बिल्कुल 100% राशिद साहब को एकदम आपके सामने लाकर हू बहू खड़ा कर रहे। करिश्मा मैडम हमारा मदद करेंगे इसमें भाई। अच्छा, तो यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? चाचा करेंगे। हम क्या हेल्प करें? चाचा, हम रिक्वेस्ट करेंगे मैडम से, मैडम मान जाएंगी। हाँ जोड़ रहे मैडम, हाँ जोड़ रहे, पूरे जिंदगी आपको गुलाम बन रहेंगे मैडम, हम छोड़ेंगे ना संतोष जी। हो जाएगा पक्का, हो जाए। देखे, हम बोले थे ना मैडम मान जाएंगी, हम कहे थे ना कि बहुत आसान चीज है, अरे तुरंत मिलवा देंगे हम लोग भी। हमारी मुलाकात होगी रूबरू, रूबरू, रूबरू। बिल्कुल पर्सनली चाय वाय पिलाएंगे आपको। भाइयों बहनों, यहाँ तुरंत ही मुशायरा शुरू होने जा रहा है, तो आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। क्या क्या हुआ, तुम मुझे ना ग्रहण लगा रहे हो। संतोष जी को देखा है? संतोष जी को तुम देखते हो? नहीं, नहीं दिख रही है हमको, तभी तो पूछ रहे ना तुमसे कहाँ है संतोष जी। बदनाम का है? ओ बाप रे। अरे चाचा, आपने गुलदस्ता मंगवाया था, मैं लेकर आ गया, कोई शक? अरे टाइम पास मत कर, जाओ जाओ तो मार मार दे ला यार। ये करिश्मा मैडम आ गई। आराम से, शांति से। एक मिनट मैडम, देखिए जनाब, साइड मैडम, अब पान ग्रहण कर लीजिए। राशिद इकबाल राशिद साहब का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आइए सर, बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए सर बैठिए बैठिए सर। भैया बहनों, हे बिलोटे, संतोष जी का बाबूजी खूब मूड में लग रहे हैं, जाकर संतोष जी का हाथ मांग ले का। अरे हाथ क्या, पूरा ही मांग ले, जा। हाँ, हाथ मांगे पलट का मुंह पे मुक्का मार दिए तो। रिस्क तो है, रिस्क है तभी तो इश्क। चल बिलोटे, मार खाएगा। मतलब मेरी खुशी की, इधर थोड़ा आइए ना, हमको अकेले में बात करना है आज, इधर आइए। रुको मियां, तुम तो मैंने सुनिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सुनिए। अरे हम आज किसी की भी नहीं सुनेंगे, आज हम सिर्फ इकबाल साहब की ही सुनेंगे। संभल। ये कौन है? क्या कर रहे हो? अरे रुकिए, क्या कर रहे हो? अरे पकड़ो, मत जाना, चलो उठ के।
रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप ऐसे, क्या चल के रहे हैं? एक मिनट करिश्मा सिंह, एक मिनट। ये हैं अब्दुल जी। अब्दुल जी एक बात बताइए, क्या ये वही रशीद है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ, ये वही नाम मुराद है जिससे मेरा कारोबार मिला, क्या सब चीज़ें मुझसे